राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर पूरे देश में राजनीति चल रही है। हम इस वक्त उज्जैन के मुस्लिम बहुल्य इलाके में हैं। यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि वो इस बयान को किस रूप में देखते हैं। हमारे साथ अकबर खान जी है। खान साहब, ये जो बयान दिया है इसमें बीजेपी का कहना है कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया, कांग्रेस का कहना है कि केवल आरएसएस बीजेपी और संगठन की बात हुई, तो आप इस बयान को किस रूप में देखते हैं? ऐसा है कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये कि अच्छा विकास हो रहा है। बीजेपी अभी मध्य प्रदेश में जो हमारे माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब सीएम बने हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब भाईचारा है आपस में और सभी लोग यहाँ जुड़ के रहते हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके नेतृत्व में यहाँ बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो बयान है उसको किस रूप में देखते हैं आप? उस बयान को इस रूप में देखा जाएगा कि मुझे नहीं लगता कि ये बयान कहीं ना कहीं सही है। ठीक बयान नहीं, आपको क्या लगता है कि जो बयान है उसको किस रूप में देखते हैं हम? ये बयान जो सही दिया है, सभी लोग हिंसक नहीं होते हैं, कुछ सांप्रदायिक तत्व जो रहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं। सभी हिंदुओं के बारे में बयान नहीं दिया है, वो कुछ सांप्रदायिक तत्वों के बारे में उन्होंने बोला है। बहुत जो लोग हैं यहाँ पे, तमाम जो पूरा इलाका है वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। भाईजान, ये बताएं जो राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया है, तो उसमें किस रूप में देखते हैं आप? क्या पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया या? नहीं, हिंसा ही नहीं, ऐसा पूरा गलत नहीं बताया, ऐसा किसी को कोई ऐसा नहीं बताया कि संवैधानिक दंगा हो, ऐसा कोई नहीं बताया हिंदुओं को हिंसक नहीं। ये जो तमाम लोग हैं, ये पूरा इलाका जो है वो सांप्रदायिक एकता का इलाका है, आप ये बताएंगे जो बयान दिया उसको किस रूप में देखते हैं? जो बयान दिया वो बयान तो सही है, जो बताया है, जो लाला साहब बता रहे हैं सब सही बताए हैं, वो सही है, इसको माहौल ख़राब नहीं हो। ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे लोगों का ऐसा कहना है कि जो बयान दिया है वो पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं दिया बल्कि ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए दिया है जो जिनकी वजह से माहौल ख़राब होता है। पूरे इलाके के लोग इस बात को बता रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है वो तरीका ठीक नहीं है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।